अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्कीज़ कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार पकवान सेंटर की स्पेशल बिरयानी। ये बिरयानी बनाने के बाद आप बिल्कुल इस तरीके से महसूस करेंगे कि इस बिरयानी को आपने घर में बनाया ही नहीं है। इतनी शानदार ये बिरयानी है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये रेसिपी सिखाने वाली हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है बिल्कुल 1.5 किलो के करीब चिकन। आप देख सकते हैं चिकन की सारी बोटियाँ बिल्कुल बड़ी बड़ी हैं और ये 1.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। और चिकन आपने ज़्यादा लेना है और बिल्कुल सेम रेशो के हिसाब से आपने चावल लेने हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया सफ़ेद साबित ज़ीरा, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर लिया है मैंने, ठीक है, होममेड है मेरे घर का। 1 पाव के करीब यहाँ पर मैंने लिया है दही। दही आपने 250 ग्राम बिल्कुल लेनी है और थिक वाली लेनी है। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 3 लौंग है। ये आपने साबित गरम मसाले निकाल लेने हैं अलग से, ठीक है। ये बिरयानी की जान होती हैं, ज़रूरी है इन गरम मसालों को डालना। 2 टेबल स्पून यहाँ पर 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट, 2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर है, ठीक है, 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। सारी क्वांटिटी आपने ज़्यादा ज़्यादा रखनी है। और 2 टीस्पून यहाँ पर आपने लेना है कुटी हुई लाल मिर्च। सारी ये स्पाइस की क्वांटिटी हो गई, अलग से स्पाइस देख लेते हैं। 3 टीस्पून आपने लेना है भुना कुटा धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर है होममेड, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर लेना है कोरमा मसाला पाउडर, यहाँ पर 5 टीस्पून मैंने कोरमा मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मेरे घर का होममेड गरम मसाला पाउडर है। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और ये 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है जायफल जवेत्री पाउडर। ये आपने की बिरयानी की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। बिरयानी की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है 1.5 किलो गोश्त और 1.5 किलो चावल के मुताबिक, क्योंकि बिरयानी में मसाले ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वो चावल के साथ एडजस्ट होते हैं। इसलिए मसालों की रेशो जो है वो चावल और गोश्त के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट मैंने बताया है। यहाँ पर 1.5 किलो के करीब चिकन है और 1.5 किलो बिल्कुल मैंने चावल लिए हैं, दोनों बिल्कुल सेम क्वांटिटी में। आपने ये सारे स्पाइस डालना है, बिल्कुल परफेक्ट जाकर बैठेगा आपकी बिरयानी में, ठीक है। उसके बाद आपने दोनों प्लेट के रखे हुए मसाले वो चिकन में डाल देने हैं, ठीक है। दही डाल देनी है और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने वो सारी चीज़ें इसमें डालनी है। चाइनीज़ सॉल्ट इसमें चली गई। आप देखते होंगे कि डेगी बिरयानी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा होता है, वो इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि वो लोग अपनी बिरयानी में चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप इसके अल्टरनेटिव में चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप दोनों चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 पिंच यहाँ पर मैंने लिया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर आपने इसमें ऐड करना है। देगी बिरयानी आप देखते होंगे कि उनके चिकन का कलर ऑरेंज ऑरेंज शेड पर होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो लोग अपने चिकन में जो है वो फूड कलर का यूज़ करते हैं। तो आपने भी फूड कलर लाजमी इसमें ऐड करना है। उसके बाद एक देगची ले लूँगी मैं, बड़ी देगची आपने लेनी है, ठीक है। उसमें डाला है मैंने ऑयल, तकरीबन 1 कप भर कर आपने ऑयल डालना है। मीडियम कप का मैंने 1 कप ऑयल लिया है। उसमें आपने सफ़ेद ज़ीरे को अच्छी तरह से कड़कड़ाना है। यहाँ पर साबित सफ़ेद ज़ीरा डालना है, गरम मसाला डालना है जो मैंने आपको साबित निकालने के लिए बोला था यूज़ करने के लिए। आपने ये दोनों चीज़ों को निकाल लेना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, तकरीबन 5-6 मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने हैं, स्लाइसेस में कट करना है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्याज काट लेते हैं, जी नहीं, और पकवान सेंटर वाले बिल्कुल भी प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ जो लोग अपने सालन में प्याज के बिना जो है वो बिरयानी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा कि आपको इसी तरह से बताया जाए कि थोड़ा सा देसी तड़का हो जाए और थोड़ा पकवान सेंटर
के मुताबिक आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो वो लोग तो प्याज का इस्तेमाल करते ही नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी अपनी बहनों को देखा है कि बिल्कुल ढेरों सारे प्याज जो है वो काट कर बैठ जाती हैं, लेकिन नहीं, आपने 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज ही आपने लेने हैं और उसे कट करें, उसमें ही बिरयानी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। कोई आपको ज़्यादा ग्रेवी अगर चाहिए तो वो भी उसी में ही बन जाएगा, आपको ज़्यादा प्याज काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर प्याज देखें इस तरह से ब्राउन हो गए हैं और प्याज की शेड का आपने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो प्याज के शेड को मतलब कभी बहुत डार्क कर देते हैं, कभी बहुत लाइट पे गोश्त डाल देते हैं। नहीं, मीडियम जब आपके प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर आपने मैरिनेटेड चिकन को इसमें ऐड करना है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, इट्स वेरी इसेंशियल पार्ट। अगर आप कोई कड़ी बना रहे हैं या कोई आप बिरयानी बना रहे हो या आप कुछ भी बना रहे हो तो ये इट्स एसेंशियल पार्ट होता है कि आपने प्याज के कलर का काफ़ी ख्याल रखना होता है। अब बस यहाँ पर मैं इसे ढक दूँगी, 2 मिनट आपने इसे अच्छी तरह से भुनने के लिए देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन पुदीना। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से देखेंगे तो मैंने 5 टेबल स्पून इसमें पुदीना ऐड किया है, और अगर आप गड्डी के हिसाब से देखेंगे तो मैंने इसमें 1/2 गड्डी पुदीना शामिल कर दिया है। अब आपने इसे अच्छी तरह से भुनने देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। ये देखें कुछ इस तरह से इसका ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसे आपने भुनना है। भुनते जाएं मिक्स करते जाएं। यहाँ पर चले गए कटे हुए टमाटर। टमाटर आपने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं जिन्हें राउंड राउंड शेप में कट कर लेना है। इस स्टेज में आपने पानी का ऐड करना है। पानी आप कितना डालेंगे ये देखें, बिल्कुल मीडियम कप के हिसाब से मैंने 2 कप पानी इसमें डाला है, और उसी बाउल में मैंने पानी ऐड किया है जिस बाउल में चिकन को मैरिनेट किया था। इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है, आपने मसालों को वेस्ट होने नहीं देना है। उसी बाउल में आपने पानी ऐड करके इसमें डाल देना है, ठीक है, ताकि आपके मसाले बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे 20 मिनट पकने के लिए, क्योंकि अभी हमारे चिकन भी बिल्कुल कच्चे हैं और इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किया है ऊपर से। तो ये अभी आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से 20 मिनट्स में गलाना है। कोरमा हमेशा 20 मिनट्स में बहुत परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स में ही बस कोरमा बनाते हैं और फिर उतार देते हैं, उससे थोड़े से गोश्त जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत कमज़ोर होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनसे गोश्त जो है वो तोड़ा नहीं जाता। तो आपने 20 मिनट्स पकाएँ ताकि उनके खाने के लिए भी आसानी रहे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया बिल्कुल चॉप करके धोकर आपने इसमें यूज़ करना है, तकरीबन 3 to 4 टीस्पून। 5 से 6 अदद मैंने इसमें मोटी हरी मिर्चें ऐड की हैं, और 20 मिनट गुजरने के बाद कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट आएगा। ये देखें परफेक्ट देगी कोरमा यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से आप देगी कोरमा भी बना सकते हैं अपने घर पे। अगर आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोरमा जो है वो आपका ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, उसकी जो ग्रेवी है ना वो लाइट होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगे कि बिरयानी का कोरमा बिल्कुल थिक सा हो गया हो और वो बिल्कुल चावल में जाकर वो ऑब्जर्व हो गया और बिल्कुल अजीब सी बिरयानी बन गई। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर 1/2 देगची पानी लिया है मैंने, इसमें मैंने 5 टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि चावल के मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। 3 to 4 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। बस इनको आपने अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। 1.5 किलो चावल मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो दिया था, आपने भी भिगोना है लाजमी। साफ़ करें, वॉश करें और उसे भिगो दें। अब 90% तकरीबन आपने इसे कुक करना है, और 90% कब आपको पता चलेगा कि ये कुक हो जाएंगे, बिल्कुल 10 मिनट्स के बाद। चावल का पानी बॉईल हुआ, आपने उसमें जो है वो चावल ऐड किया, उसके बाद जो है आप इसे क्या करेंगे, 10 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। जब वो बिल्कुल जोश में आ जाएंगे पानी जो है, उसके बाद आपने इसे क्या करना है, पसा देना है, ड्रेन आउट कर देना है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है, ठीक है। पानी को खुश्क करने के बाद आपने फ़ौरन से इसके ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी स्प्रेड कर देना है, जो आपके नल का टैप वाटर होता है वो आप इसके ऊपर से स्प्रेड कर दें, ताकि जो है वो आपके चावल आपस में चिपके नहीं। वैसे भी ऑयल गई हुई है इसके अंदर, ये आपस में ऐसे भी नहीं चिपकेंगे, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी जो है वो स्प्रेड कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं चावलों का रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये बासमती राइस है। अगर आप बासमती छोटा वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने
बासमती राइस ली है बिल्कुल प्योर, और आप इसे जितना भिगोते हैं उतना ही इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने चावल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आप भी सबसे पहले चावल को साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे और उसे भिगोएंगे 2 घंटे या 1 घंटे तो मस्ट आपने भिगोना है। ये देखें कोरमे की ग्रेवी यहाँ पर मैंने देगची में फैला ली है, बिल्कुल बड़ी सी देगची आपने लेनी है, ठीक है। और इसमें सारा कोरमा आपने डाल देना है, सारा कोरमे से मुराद सारा का सारा कोरमा। आप देख सकते हैं मैंने गोश्त के साथ डाला है, बिल्कुल आप इसे इस तरह से चम्मच की मदद से साइड साइड कर दें, और आप देख सकते हैं कोरमे की जो ग्रेवी वो लाइट है, उसका शोरबा बिल्कुल भी गाढ़ा किस्म का नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो चावल के अंदर जाके वो बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने वाले। देगी बिरयानी इसी वजह से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है क्योंकि वो जूसी बिरयानी होती है, उसके जो चावल होते हैं और उसमें जो कोरमा डाला होता है वो जूसी सा टेक्सचर दे रहा होता है। वो इसीलिए दे रहा होता है कि उनके बिरयानी का जो कोरमा होता है उसकी ग्रेवी लाइट होती है, ठीक है, मतलब ढीली होती है। यहाँ पर मैंने एक टमाटर काट लिया था बिल्कुल स्लाइसेस में, इसमें मैंने ऊपर से हरा धनिया स्प्रेड किया है, पुदीना स्प्रेड किया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पूरे बिरयानी का चावल, कोई आपने 50% वाले चावल को नहीं निकालना है, कोई आपने 40% वाले चावल को नहीं निकालना है, सारे 90% वाले चावल को आपने इसके ऊपर से डाल देना है। और यहाँ पर अब मैं इसे देगची को थोड़ा सा मैं अगर हिलाऊंगी भी तो ये बिल्कुल स्प्रेड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इस छन्ने का इस्तेमाल किया है और इससे मैं जो है वो चावलों को पूरी तरह फैला दे रही हूँ, ठीक है। आपने चावलों को पूरी तरह फैला देना है, और अब क्या करनी है आप बताएँ, कर सकते हैं वैसे, कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके ऊपर से आपने ऑयल स्प्रेड कर देना है। ऑयल स्प्रेड करने के बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी फूड कलर, 2 पिंच के करीब आपने 1/2 टीस्पून फूड कलर लेना है। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर से जो है वो केवड़ा एसेंस ऐड किया है, बिरयानी केवड़ा एसेंस आपने इसके ऊपर से ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। और इसमें थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, लेकिन इसका शेड बिल्कुल ऑरेंज टाइप का होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसका टेक्स्चर होना चाहिए। अगर आप कम फूड कलर डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह से ऑरेंज टेक्स्चर जब होता है तो बिरयानी देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ, फ्रिज का ठंडा पानी आपने लेना है, और इस तरह से हाथ को आपने सामने ला के 5 से 6 कुल्ले इस तरह से पानी के डालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसे बंद कर देना है और 10 मिनट मैं इसे रखूँगी दम फ्लेम पे आपने इसे 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी, अमेजिंग सा रिज़ल्ट आपको बिल्कुल मिलने वाला है। इस बिरयानी को बहुत मेहनत से रेडी किया गया है, और वो भी आप लोगों के लिए, ताकि आप मुझसे बिरयानी बनाना सीखें और आप अपने घर पे इस तरह की डिफरेंट सी स्पेशल सी बिरयानी रेडी करें। और बहुत सारे मेरी ऐसी बहन भाई होते हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो उनके लिए मैंने स्टेप बाई स्टेप इस रेसिपी को डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं कुचम्बर सैलड बना रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज कोकम्बर और हरी मिर्चों का ऐड किया है। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड ना करें, लेकिन हरी मिर्चें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ दही, और इसमें आपने डालना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कटिंग किस तरह से हुई है, सारे के सारे कोकम्बर प्याज और हरी मिर्चें सारे क्यूब स्लाइसिस में कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्यूब स्लाइसेस में सारे की सारी चीज़ें कटी हुई हैं। बस वो कुचम्बर सैलेड हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देख सकते हैं बिरयानी को मैंने थोड़ा सा, बिरयानी की देख को थोड़ा सा मैंने हिलाया है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि आपने जल्दी जल्दी किस तरह से मिक्स करना है। बिरयानी बनकर नीचे उतरेगी 10 मिनट के बाद ही आपने इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। बिल्कुल आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि बिरयानी बनी हुई है, रखी हुई है, आप कुछ नहीं कर रहे, वो बिरयानी के जो चावल होते हैं ना वो फिर अजीब से लगते हैं, फिर वो मिक्स होते हैं ना तो वो इतना बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं आता। देगी वाले की बिरयानी आप देखते होंगे कि उनके चावल जो है वो अलग अलग होते हैं, वो इसी वजह से अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो फ़ौरन से बिरयानी को बनने के बाद ही उसकी पूरी डेग हिला दी होती है, तो ऊपर नीचे चावल हो जाते हैं, तो इससे बिरयानी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और उसका जो है कोरमा बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ कर आती है। तो इसी वजह से यह टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिरयानी बनने के बाद उसको फ़ौरन से मिक्स करें। बस यही थी रेसिपी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।